नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कोरोना महामारी के चलते देश में लागू लॉकडाउन को अब महज 2 दिन बचे हैं। प्रदेश के दक्षिणी छोर और 2 राज्यों के सीमा पर बसा बालाघाट जिला फिलहाल ग्रीन जोन में है। यहां अभी तक एक भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। अब चूंकि लॉकडाउन खुलने में 2 दिन बचे हैं, ऐसे में जिला और पुलिस प्रशासन किसी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहता और जिले को ऑरेंज जोन में आने से बचाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि शहर के कुछ इलाकों की गली मोहल्लों में लोग क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेल खेलकर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना कर रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए एएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को उठक बैठक, दंड बैठक लगवाई और कुछ लोगों को मुर्गा बनवाया तो कुछ को मेंढक दौड़ भी लगवाई। मैं भी आना चाहिए। अरे कमर उठा इससे। क्या मामला है? कुछ नहीं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से बिना किसी काम के बाहर निकल रहे हैं, तो यही इसीलिए उनको थोड़ा सा इनको सबक देने के लिए कभी डुड्डू चाल चलवाया, किसी से उठक बैठक करवाई, किसी से कान पकड़वाया, जैसे इसको क्षमता है जिसकी हिसाब से उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। कुछ चालानी कार्रवाई? हाँ, बहुत सारी गाड़ियों की चालानी कार्रवाई भी हमने की। लगभग कितनी गाड़ियों की? लगभग 15 से 20 गाड़ियों की अभी पिछले 1 घंटे के अंदर कर रही है। लगातार जारी रहे? लगातार जारी है, हम तो प्रतिदिन चालानी कार्रवाई करते हैं सुबह और शाम को थोड़ी सी पब्लिक को सजा देने का छोटा मोटा।